हैमस्टर कॉम्बैट में आपने कोई भी वैलेट ऐड किया होगा, तो वैलेट ऐड करने के बाद उसमें टोन्स भी डालना जरूरी है। सबसे बेस्ट जो आपने वैलेट ऐड किया होगा, जो कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया, टोन कीपर्स, ठीक है। तो टोन कीपर्स में आप किस तरीके से टोन्स को ऐड कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। दो मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है $3.27 के हमारे इसमें टोन्स दिखाई दे रहे हैं। टोन्स कॉइंस की वैल्यू है $7.26, जो कि हमारे इसमें 0.45 अभी कम है, 0.01 भी रहेगा तो वो गैस फीस के लिए आपके लिए इजीली हो जाएगा। हाँ, अब इसमें टोन्स लेने के लिए आपको कोई भी एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कुकॉइंस हो गया आपके इसमें, बिंग एक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, या बाइबिट। मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा बाइबिट के लिए। अगर आपने अभी तक टोन्स परचेस नहीं किया, बाइबिट के बारे में नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्या कर सकते हैं, बाइबिट इंस्टॉल कीजिए, उसे रजिस्टर कीजिए और उसके बाद आपके इसमें इस तरीके से पेज इंटरफ्रेंस दिखाई देगा। आपको जाना है एसेट्स पर। एसेट्स पर देखिए 1.20 USD के हमारे पास पहले से डॉलर पड़े हुए हैं। यहाँ से आपको डिपॉजिट पर जाना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कहीं और क्रिप्टो कुछ रखे होंगे, कुछ कॉइन्स रखे होंगे, उसे भी यहाँ पर ला सकते हैं आप डिपॉजिट क्रिप्टो पे। बाई विथ INR, भाई डायरेक्टली आप करेंसी INR से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 1000 के INR ले लिया, वो डायरेक्टली मुझे टोन्स मिल जाएंगे, तो वो मैं गूगल पे से या बैंक कार्ड से भी कर सकता हूँ। पर इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बैक आऊँगा यहाँ से भी, बैक डिपॉजिट पर, जो तीसरा ऑप्शन है P2P ट्रेडिंग, इस पर मैं जाऊँगा। वहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, नीचे आना है आपको। यहाँ पर बहुत सारे, किसी में 92.5, इनका परसेंटेज कितना है, 57%, 99%। तो भाई मुझे मान के चले 500 रुपये से आप चालू कर सकते हैं, 600, 700, 800, कितने भी आपको USDT इनके तरफ से मिल जाएंगे, आपको इन्हें पेमेंट देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इसे P2P ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर मैं नीचे आ रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पे भी आप ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बाय दिखाई दे रहा है, बाय पे क्लिक करना। अब फॉर एग्जांपल मैंने पहले से एक ऑर्डर लेकर रख चुका हूँ, यहाँ पर आप चेक कर लेते, कोई और भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, जो सस्ते में हमें दे दे। बाय पर आप क्लिक करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया हो, ये देखिए यहाँ पर कुछ पेमेंट्स है मेरा, तो मैं इसे ही क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, ये पेमेंट्स लिया हो मैंने 1010 INR। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। आपको करना है पे नाउ, ठीक है। पे नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में इंटरफेस दिखाई देगा, ये देखिए पे नाउ आपके सामने में दिखाई दे रहा है। ये है बैंक ट्रांसफर, जिसमें आपको नाम है, बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, बैंक का ब्रांच है। कॉपी करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से भी हो जाता है इजीली, या UPI आएंगे तो UPI आपको यहाँ पर ID मिल जाएंगी। UPI ID आपको कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ से आपको फोन पे पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद तो मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया हो पेस्ट, ठीक है, और इसे कर दियो डन। ये न्यू UPI ID वेरीफाई करते हम, शान समीर है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है सेव नेम, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यस डन, ये हमारे इसमें आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं 1010, ओके, इतना दे दिया है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, UPI ID पिन डाल देता हूँ। ये पेमेंट हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डन कर दूंगा, और ये हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट मैं उनको पहुँचा दूंगा, ओके। यहाँ पर मैंने ये क्लिक किया हूँ, और हम चलते हैं बाईबिट पर, और यहाँ पर चैटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गए हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर देखिए आफ्टर पेमेंट UPI ID देने के लिए बोले, ये हमने UPI ID दे दिया। यहाँ पर क्लिक करके मैं डायरेक्टली UPI ID की फोटोज़ इनको पहुँचा दूंगा, ठीक है, ये पेमेंट जो हो गया है इनका। अब फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम चेक करेंगे, अब इन्होंने चेक कर भी लिया शायद काफ़ी जल्दी, ये देखिए ओके, यहाँ पर भेज दिया हूँ मैंने और इन्होंने देख लिया। अब यहाँ पर राइट टिक हो जाएगा और उसके बाद हमारे इसमें USDT शो होने लग जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं बैक करता हूँ, हाँ 1.20 USDT आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश करूँगा, तो डायरेक्टली मेरे इसमें 10 उनके तरफ से और ये मिला के 11 USDT मेरे इसमें शो होने लग जाएंगे। इस तरीके से अभी आपने पार्ट वन देखे, ये पार्ट टू है। अब किस तरीके से टोन्स कीपर में आप टोन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टोटल एसेट्स 12.01, ये USDT में है तो वॉल्यूम कम। यहाँ पर आपको कन्वर्ट दिखाई दे रहा है, आपको जाना है कन्वर्ट। कन्वर्ट पर यहाँ पर अकाउंट्स है और ये फंडिंग अकाउंट्स में ही होना चाहिए। अगर फंडिंग अकाउंट्स में नहीं है तो सबसे पहले उसको फंडिंग अकाउंट्स में करना है, क्योंकि 3 अकाउंट्स है आपके इसमें, और जब भी आप लेते हो अपना USDT तो भाई आपको फंडिंग अकाउंट में ही मिलती है। यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट, इनवर्स डेरिवेटिव्स अकाउंट्स, ठीक है, तो फंडिंग अकाउंट में है। यहाँ से इसको इस तरीके से कर दीजिए, ऊपर USDT होना चाहिए, नीचे में आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से टोन, ये मैंने टोन ले लिया है, ठीक है। अब कितना करना है, मैक्सिमम पे मैं क्लिक करूँगा तो 6, क्योंकि जस्ट मैंने अभी 6 ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ
आपको वन करके दिखाऊंगा, उसमें मेरे को 0.13 टोन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक USDT को करता हूँ क्लिक, ये मैंने क्लिक किया हूँ भाई, इतना लगेगा, फीस हमें कुछ भी नहीं लग रही है। ओके कंफर्म, यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। बाइबिट की तरफ से यस कन्वर्शन कंप्लीट हो चुका है, फंडिंग अमाउंट हमारे इसमें आ चुकी है, तो यहाँ से व्यू एसेट्स कर सकते हैं, बैग भेज जा सकते हैं। देखिए व्यू एसेट्स, इसके पहले मैंने जो लिया था 6, यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई दे रहा है 5.08 का USDT, और इसके बाद आपके इसमें 6.92 USDT टोन। ओके तो भाई इसमें आप क्या कर सकते हैं, USDT को टोन, टोन को USDT में बदल सकते हैं। अब यहाँ से बैक आना है आपको, यहाँ से आपको क्लिक करना है विड्रॉ। अब देखिए टोन्स हमारे इसमें 0.9490 8471 इतने हैं, तो टोन्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, टोन्स को पहुँचाना है, कहाँ पर, टोन कीपर पर आ गया हूँ मैं, यहाँ पर हमारे इसमें डॉलर दिखाई दे रहा है 3.28, तो यहाँ से आपको जाना है, नीचे में टोन दिखाई दे रहा है 0.45, उस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको करना है रिसीव, और यहाँ से इसे कर देना है कॉपी, ये एड्रेस है। वापस आए हैं आप यहाँ पर, यहाँ पर एड्रेस को आपको पेस्ट कर देना है, टोन आपके इसमें नेटवर्क होना चाहिए, मेमो में आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है, तो टोन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके फंडिंग अमाउंट्स कितना है, यहाँ पर मैक्सिमम कर लीजिए 0.8490 8475, ये टोटल हमें चाहिए। ओके अब यहाँ पर आपको नीचे में फंडिंग अमाउंट्स भी दिखाई दे रहा है 94, ठीक है, तो हमने मैक्सिमम ले लिए फंडिंग अकाउंट्स का, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इस पर विड्रॉ पे क्लिक करते था, यहाँ पर आपके इसमें पूछा जा रहा है 0.1 टोन लगेंगे, मतलब 0.84 है तो 0.1 टोन आपका पैसा लगेगा, बचे हुए हमारे पास सेंड हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम एड्रेस के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके इसमें एक मैसेज आएगा आपको, तो वो आपको डालना पड़ेगा, तो ठीक है हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको अपने मेल आईडी पर मैसेज आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में ये आ जाएगा, जस्ट आने का है, मैं एक बार जाकर चेक भी कर लेता हूँ, ये गया हो जीमेल, ठीक है, ऑल इनबॉक्स, जस्ट वेट, ओके रिफ्रेश, यहाँ से हम वापस आते हैं इस पर, यहाँ से मैं कर देता हूँ रीसेंट, ठीक है, रीसेंट 60 सेकंड्स लेटर, दोबारा रीसेंट कर देते हम, हाँ ये आ गया हमें मैसेज, विड्रॉल रिक्वेस्ट बाय वैल्यूट, ठीक है, विड्रॉल अमाउंट इतना हो रहा है, यू क्रिएटेड विड्रो रिकॉर्ड योर विड्रॉल इन्फॉर्मेशन एज एज फॉलोस, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो हाँ यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 7.85965, ये मैंने डाल दिया। अब गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पर आपको लगेगा, तो वो भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है 6.81, ये ले लेता हूँ मैं 8.14, ये ले लिया मैंने, यहाँ से कंफर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुल, विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्टली बैक आ जाना है, ठीक है, ये आ गया हूँ मैं। अब आपको ऊपर में एसेट्स दिखाई दे रहे कितने, 5.08 कितने थे, 12 थे आपके इसमें, तो यहाँ से आप आपको आना है टोन कीपर पर, जैसे टोन कीपर पर आप बैक आएंगे, पहले कितना था 3 थे, अब जाकर आप चेक करोगे, रिफ्रेश करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपके इसमें यहाँ पर शो होने लग जाएंगे टोन कॉइन्स जो है आपके इसमें दिखाई दे रहा है 0.45, थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 1 मिनट के अंदर। यहाँ पर दोबारा हम चलते, ठीक है, जस्ट यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखाई देगा, यू हैव, देखिए टोन सेंड्स हो गया है, विड्रॉल कंप्लीटेड, ये सेंड्स हो चुका है, जस्ट अभी सेंड हुआ है। ओके यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये क्या होता है, डायरेक्टली ये मैं आ गया हूँ, रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है सेंड होने के बाद, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। ये कब सेंड हुआ है, 12/7, जस्ट अभी अभी मैंने सेंड कर दिया हो, पेंडिंग में नहीं है, फंडिंग अकाउंट्स सेंड, थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। हाँ ये देखिए आप, आपके इसमें आ गया है 9.47, हमारे इसमें डॉलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे में दिखाई दे रहा है 1.29, मतलब इतने टोन्स हमारे इसमें शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं वैलेट पर क्लिक करूँगा तो वैलेट से चेंज भी कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं INR में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप जैसे फॉर एग्जांपल INR में कन्वर्ट कर लियो, बैक जाता हूँ मैं, यहाँ पर शो करूँगा 791 रुपीज़ मेरे इसमें है। नेक्स्ट वीडियोस जो बनेगा उसमें मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तो भाई ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत कम लोगों को मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तो उसमें सबसे पहले अगर आप आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करते तो ऐसे बन, वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड्स का चैनल एजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।